प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, जो बीटा पार्टिकल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब बीटा पार्टिकल इज कंपेरेबल टू अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो बीटा पार्टिकल होता है वो एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन, बीटा पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो बीटा पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो किसके बराबर होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सेकंड वन, द रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो रेस्ट मास होगा बीटा पार्टिकल का वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर इमिटेड विद अ वेलोसिटी ऑफ अबाउट 2.97 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो मिट करते हैं तो उनकी वेलोसिटी कितनी होती है, 2.97 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा डिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कॉज फ्लोरोसेंस इन सम सब्सटेंसेस, जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनम, साइनाइड एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द आयनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज अबाउट 1/100 टाइम्स द आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा पार्टिकल। जो आयनाइजिंग पावर होती है बीटा पार्टिकल की वो 1/100 टाइम्स होती है किसके, आयनाइजिंग पावर ऑफ गामा पार्टिकल्स, और लेस देन होती है अल्फा पार्टिकल की। जो अल्फा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर होती है उससे कम होती है बीटा पार्टिकल की आयनाइजिंग पावर। नेक्स्ट है, द पेनिट्रेशन पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज मोर देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। जो पेनिट्रेशन पावर होती है बीटा पार्टिकल की वो ज़्यादा होती है अल्फा पार्टिकल की। नेक्स्ट, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, वो अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को। नेक्स्ट वन, बीटा पार्टिकल कैन ट्रेवल इन एयर अप टू अ फ्यू मीटर। बीटा पार्टिकल जो है वो एयर में ट्रेवल कर सकते हैं अप टू फ्यू मीटर, मतलब कुछ मीटर तक ही ये ट्रेवल कर सकते हैं।